बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज 2 हफ्तों के बाद मैं आपके साथ आलू दाल के शामी कबाब जो हैं वो शेयर करूंगी। ये बहुत झटपट बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। इसके लिए आपको गोश्त की ज़रूरत नहीं, ना आप इसमें बीफ का कीमा डालिएगा और ना ही चिकन डालिएगा, फिर भी आप इसको शामी कबाब के तौर पे खा सकते हैं और बना सकते हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि इसके अंदर कोई आपने गोश्त नहीं डाला। बहुत लजीज बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो ये आपके दस्तरखानों की जीनत ज़रूर बना करेंगे और झटपट भी ये बन जाएंगे। इनको कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है 1.5 कप चने की दाल जो मैंने चुन के साफ़ करके 2 घंटे भगो के रखा था। 2 घंटे लाजमी भगोइएगा। अब ये हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, अगर छोटे हों तो आप 3 ले लीजिएगा। इनको छील के तो फिर धो के अच्छी तरह मिट्टी उतार के फिर मैंने दाल के अंदर डाले। अब मैंने डाला है हल्दी को 1/2 टीस्पून और नमक 1/2 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी और इनको हम हसबे ज़रूरत पानी डाल के, सिर्फ इतना पानी डालना है, मैंने 1 कप पानी डाला है लेकिन आप देख लीजिएगा, सिर्फ इतना डालना है कि दाल आपकी जो है पानी के अंदर डूब जाए। ज़्यादा ऊपर पानी तैरता हुआ नहीं होना चाहिए, आपको दाल नज़र आनी चाहिए। और इसको एक बॉयल आने पर दम की आंच के ऊपर आप इस दाल को गलाएंगे जिससे दाल गल जाएगी। दाल को इतना नहीं गलाना तो वो बिल्कुल ही टूट जाए, वो दाना साबुत होना चाहिए और थोड़ी सी इसमें कसर होनी चाहिए। जब आप देखेंगे दाल इतनी गल गई है तो आप आग बंद कर दें, आपके आलू भी गल चुके होंगे। इस तरह छील के आलू बनाने से जब हम बॉईल करते हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, माशाल्लाह से दाल के साथ ही आलू गल जाएंगे। और इसका अगर पानी हो, ये दाल के अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको मैं ड्राई नहीं करूँगी। अगर मैंने इसको ड्राई करने की कोशिश की तो ये पानी जो है दाल को नरम कर देगा और दाल ज़्यादा नरम होने की वजह से हमारे कबाब जो हैं वो बहुत नरम बनेंगे और टूटेंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं कबाब बनेंगे, बनाते हुए भी वो हमें प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए वो पानी मैंने छान के गिरा दिया, थोड़ा सा पानी। बाकी ये आलू और दाल को मैंने पीस लिया है, इसको किसी भी आप चॉपर में डाल के पीस लीजिएगा या कुंडी डंडे में। और आलूओं को मैंने कद्दूकश से मैश किया है, अच्छी तरीके से इसको कद्दूकश कर लिया है बॉयल किए हुए आलूओं को। और ये देखें, ये तमाम चीज़ें मैंने वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपको दिखा रही हूँ, सब कुछ मैश हो गया है। अब मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको बारीक चॉप करना है, मोटा नहीं करना, बारीक चॉप। हरी मिर्चें लेंगे 3 से 4 अदद, ये फ्रेश मिर्चें हैं, रेड और ग्रीन वाली। अगर इसी तरह आप लेंगे तो खूबसूरती में अच्छा लगेगा इसको दोनों चीज़ों में। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हरा धनिया 1 कप और कॉर्न फ्लावर मैंने डाला है इसमें 3 टेबलस्पून भर कर, 3 टेबलस्पून भर कर डालिएगा या आप 3/4 कप। और इसके साथ अब चावलों का आटा डालना है इसमें 2 टेबलस्पून भर के चावलों का आटा। चावलों के आटे से कबाब जो है बहुत क्रिस्पी बनते हैं और करारे बनते हैं, ज़रूर डालिएगा। मैश करके हाथों से देखिएगा, अगर आपका बैटर जो है इसका दाल का नरम हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का 1 टेबलस्पून और डाल लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक रहा है 3 टेबलस्पून भरकर, और कबाब भी बिल्कुल अच्छे और शानदार बन रहे हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कीजिएगा करके, एक मुट्ठी में आप कोफ्ते के जितना ये दाल का बैटर लीजिए,
पीसी हुई दाल लेके कोफ्ते जितनी उसके साथ आप इसको राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद इसको बिल्कुल शामी कबाब की आप शेप दे दीजिए अपने हाथ की मदद से, कबाब की तरह बिल्कुल, जैसे आप आम घर में कीमे का कबाब बनाते हैं, शामी कबाब बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको राउंड बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह तमाम कबाब बना के तो मैं ना आपको दिखाऊंगी ये कितने कबाब बने हैं। 1.5 कप दाल और 2 आलूओं से, बड़े साइज़ के 2 आलू थे जो तकरीबन पाव से ज़्यादा था, आलू का जो वेट था 2 आलूओं का वो 1 पाव से ज़्यादा थे। मैंने अपने हिसाब से घर में पड़े हुए आलू लिए थे। आप भी इसी तरह किया कीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप तोल के ही उसको बाज़ार से चीज़ को मंगवाएँ तो फिर पकाएँ। तो ये कबाब बनाने इतने आसान हैं, झटपट बन जाते हैं, ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे। तो आप की ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इस महंगाई के दौर में चिकन डालें और गोश्त डालिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको फ्राई करेंगे देखेंगे बिल्कुल शामी कबाब लगेंगे। बाज़ार में लोग इनको शामी कबाब के तौर पे कह के तो बेचते हैं। ये मैंने बनाए हैं, ये 26 कबाब बने हैं। ये दोनों प्लेटें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उसी मिक्सचर से मैंने ये कबाब बनाए हैं और ये 26 मेरे कबाब बने थे। अगर आपके पास शामी कबाब मेकर हो तो आप उसके साथ भी बना लीजिएगा, जो सांचे बाज़ार में मिलते हैं ना कबाब बनाने वाले, उससे भी बना लीजिएगा, इवन बनेंगे एक जैसे, ना बड़े ना छोटे। अब मैंने लिए हैं 2 अंडे, उसमें डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ताकि ये ऊपर की कोटिंग फीकी ना रहे। आप जब भी कीमे के या चिकन के कबाब बनाएं उसमें भी अंडा जब ऊपर लगाएं तो इसमें लाजमी थोड़ी सी सीजनिंग डाला करें। कोई भी नमक मिर्च डालने से ज़रा कबाब की जो ऊपर की जो लेयर बनती है वो फीकी नहीं होती। अब मैंने किया है ऑयल को नीम गरम, तेज़ गरम नहीं रखना, मीडियम हीट के ऊपर हमने इन कबाबों को तलना है। कोई भी शामी कबाब हो आप मीडियम आंच के ऊपर मीडियम गरम तेल में इनको डाला करें। अगर तेज़ गरम में आप ऑयल में घी में अगर कबाब डालेंगे तो कबाब ऊपर से रेड हो जाते हैं या जल जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं, और या अगर फ्रीज़र के हों तो वो अंदर से ठंडे होंगे और ऊपर से आपको पके हुए फीलिंग आती है। जब आप खाते हैं तो अंदर से कबाबों का कोई मज़ा नहीं होता। आप इन कबाबों को बना के 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि इसमें आलू होते हैं तो आलू की जो चीज़ है वो ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करनी चाहिए, 1 हफ्ता ठीक रहती है। तो उसके बाद जो है वो अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे ज़्यादा देर के आलू फ्रीज़ किए हुए मज़े के नहीं लगती है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ 1 हफ्ते तक आप इन कबाबों को फ्रीज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और जब आप इसको मीडियम आंच के ऊपर तलेंगे, फ्रीज़ किए हुए कबाबों को भी बिल्कुल इसी तरह तलिएगा, अंडे में डिप कीजिएगा और मीडियम आंच के ऊपर मीडियम जो गरम ऑयल होगा उसमें कीजिएगा। इसको आपने बर्फ़ पिघलानी नहीं, डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालें, अंडा लगाएं और फ्राई कर लें, तो आपके कबाब बहुत लजीज बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बाज़ार से शामी कबाब लाना भूल जाएंगे। अगर आपको मेरे ये कबाब पसंद आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बना के खिलाइएगा। अगर आपको ये कबाब पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।